यह बात उस दौर की है जब हिंदुस्तान का दिल कहे जाने वाला मध्य प्रदेश एक बीमार राज्य में शुमार होता था और सिंगरौली तो अत्यंत ही पिछड़ी क्षेत्र की श्रेणी में आता था। बिजली पानी की बुनियादी सुविधाओं से वंचित यह क्षेत्र गरीबी, भुखमरी और खराब सड़कें तो मानो इसकी पहचान सी बन गई थी। विकास का तो मानो कहीं नाम निशान न था। सन 2008 के आम चुनाव में इस बार सिंगरौली की जनता ने भाजपा से उम्मीदवार रामलल्लू वैश्य को अपना जनादेश दिया और प्रदेश में भाजपा की ही सरकार बनी। रामलल्लू वैश्य इस क्षेत्र से जुड़े थे, सिंगरौली की दिक्कतों और परेशानियों को भली भांति जानते और समझते भी थे। विधायक का कार्यभार संभालते ही उन्होंने सिंगरौली को पहले तो जिला घोषित कराया। भाई बहनों का मेरे प्रति जो विश्वास था और उसके रिजल्ट के बाद जब प्रदेश में सरकार में साथ में काम करने का मौका मिला तो निश्चित रूप से सिंगरौली सड़क, बिजली और तमाम तरह के कार्य शुभारंभ हुए। सिंगरौली का उद्योगीकरण व सुंदरीकरण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब तो मानो सिंगरौली की किस्मत ही बदल सी गई। अच्छी सड़कें, 24 घंटे बिजली व पानी की बुनियादी सुविधाओं को पूरा किया। सन 2013 के चुनाव में एक बार फिर सिंगरौली की जनता ने रामलल्लू वैश्य को अपना प्रतिनिधि चुना और अपना विश्वास जाहिर किया। और फिर रामलल्लू वैश्य ने भी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सिंगरौली से देश की राजधानी दिल्ली और प्रदेश की राजधानी भोपाल तक रेल सेवा शुरू कराया तथा सिंगरौली से सतना तक एसी बस सेवा का भी शुभारंभ किया। केवल 10 सालों में सिंगरौली को विकसित जिले की श्रेणी में ला खड़ा किया। अब एक यह दौर है और एक वो दौर था, याद है ना? विकास का पहिया कहीं रुक न जाए, इसलिए अपना कीमती मत रामलल्लू वैश्य को देकर फिर कमल खिलाएं।